everyone, my name is Madhuri. Welcome to the channel All Things Together. Guys, आज का subject है ice cream, जो कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ही पसंद होती है और सबकी favorite होती है. So मैंने ice cream बनाई है, वो vanilla ice cream है और strawberry ice cream है. But आप अमूल की ice cream खाओगे और ये ice cream खाओगे तो आप just कीजिए और आपके guest को दीजिए और आप just यही बोलिए कि ये मैंने की है. They can't believe what you talking. Really, 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 this is true. और आप just ये recipe करके देखिए. This is my secret recipe I have shared with you guys. So please यार, अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please मेरे video को like, share and subscribe करना मत भूलना. Your subscription is a lot to me. Secret recipe which I have shared with you guys. और आपने बहुत ही नेट पे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है कि कंडेंस मिल्क के आइसक्रीम बनाते हैं. कंडेंस मिल्क से मैंने भी बनाई थी, बट वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होती है, मूस टाइप की होती है. सो मतलब आप उसे आइसक्रीम नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हो बट या इट इज़ लाइक अ मूस ओनली. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरी रेसिपी शेयर करेंगे तो शायद आपको हेल्पफुल हो और आपको हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा. सो आई एम हियर विथ शेयर माई रेसिपी, आइसक्रीम रेसिपी विथ यू गाइस. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें लगेगी व्हिप क्रीम्ड मिल्क पाउडर, इसेंस शुगर पाउडर, फुल फैट मिल्क. मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिप क्रीम ली है. मेक श्योर कि आपकी व्हिप क्रीम में कोई बर्फ ना हो. अभी हमें व्हिप क्रीम को व्हिप करना है एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से. में हमें हैंड ब्लेंडर जो है वो लो स्पीड पे ही रखना है, उसके बाद ही स्पीड बढ़ाना है टिल वी गेट अ सॉफ्ट पीक. 6 मिनट के बाद मैंने जो मेरा स्पीड है वो हाई स्पीड किया है. हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल बनके तैयार है, इसे सॉफ्ट पीक भी आए हैं, आप देख सकते हैं. अगर पॉट उल्टा करने पर भी आपकी व्हिप क्रीम नहीं गिरती है सो दैट मीन्स कि योर व्हिप क्रीम इज़ डन. उसके बाद हमें एक बड़े बाउल में 1 कप मेजरमेंट से मिल्क लेना है. सेम मेजरमेंट से हमें 1 कप मिल्क पाउडर लेनी है. मैंने ये मिल्क पाउडर नेस्ले एवरीडे के लिए है गाइस, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आइसक्रीम को. और 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर ली है. ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लेंड करने हैं, क्योंकि अगर आप किसी स्पैचुला से ब्लेंड करेंगे तो इट विल टेक टाइम. सो हैंड ब्लेंडर के हेल्प से 1 मिनट तक हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है. उसके बाद एक स्पैचुला की हेल्प से गिव इट अ गुड स्टर. सो आफ्टर दैट हमने जो व्हिप क्रीम बनाई थी उसमें ये मिक्सचर पूरी तरह से डालना है. दैट हमें एक हैंड ब्लेंडर के हेल्प से ये मिक्सचर 1 मिनट तक ब्लेंड करना है. डोंट गो ओवर 1 मिनट, जस्ट ब्लेंड करना है. हमारा मिक्सचर रेडी है. हमें 2 आइसक्रीम बनाने हैं, वैनिला और स्ट्रॉबेरी. तो इसके लिए मैं हाफ मिक्सचर जो है एक अदर पॉट में निकाल लूँगी. इसके बाद मैं मेरे हाफ मिक्सचर में वैनिला इसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून. आपको मेरे स्पून को देख के पता ही चल गया होगा कि मैंने कितनी बार इसे यूज़ किया होगा केक के लिए, आइसक्रीम के लिए. अगर आपको वैनिला एसेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर टेस्ट हाउ मच स्ट्रॉन्ग. बट इस मिक्सचर को हमें एक एयर टाइट कंटेनर में पोर करना है. मेक श्योर आपका कंटेनर जो हो वो एयर टाइट हो. कंटेनर के ऊपर मेरे प्लास्टिक रैप अच्छी तरह से लगा दूंगी. दिस इज ऑप्शनल स्टेप, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप टोटली स्किप कर सकते हो, बट आई डोंट वॉन्ट एनी आइस क्रिस्टल सो मैं ये रैप इसके लिए लगा रही हूँ. फर्स्ट आइसक्रीम तो हो गई. सेकेंड आइसक्रीम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नंदी का स्ट्रॉबेरी इमल्शन. ये भी मैं 1 टीस्पून ही लूँगी. ये इमल्शन जो है इसमें आपको फ्लेवर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप अमूल की आइसक्रीम खाएंगे और ये आइसक्रीम खाएंगे स्ट्रॉबेरी की तो यू कांट बिलीव कि यार ये इतनी अच्छी हो सकती है. डिक टो अमूल की तरह होती है गाइस. ये स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर पोर करने के लिए मैं स्मॉल स्मॉल 2 कंटेनर्स ले रही हूँ.
मैंने दोनों कंटेनर में फिल कर लिया है मेरा मिक्सचर। अभी सेम मेथड से हमें इसे प्लास्टिक रैप करना है। सारा मिक्सचर हमें 10 घंटे तक फ्रिज में रखना है। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो वेल एंड गुड। ढक्कन हमें अच्छी तरह से लगाना है, कोई एयर पास नहीं होनी चाहिए गाइस। और आपके कंटेनर मेक श्योर कि पहले ड्राई हो। अभी टाइम में ये सारे कंटेनर हमें फ्रीजर में रखना है, तो मेक श्योर कि आपके फ्रीजर में कोई बर्फ ना जमी हो। अगर हुई हो तो आपके फ्रिज को पहले डिफ्रॉस्ट कर देना, उसके बाद ही उसे अच्छी तरह से सेट होके ये कंटेनर उसमें रख देना। तो आपको अगर आइसक्रीम बनानी है तो उसके पहले मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखें। कंटेनर रखते हैं फ्रिज में। और मेक श्योर कि आपका जो टेम्परेचर हो तो वो मैक्सिमम हो, तो मैंने मैक्सिमम में सेट किया है। तो इट्स डन। हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैंने सिर्फ 7 घंटे के लिए ही रखी थी, क्योंकि डे लाइट में शूट कर रही हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा इसके लिए, नहीं तो आप 10 घंटे या ओवरनाइट रखिए प्लीज़। तो गाइस आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप आइसक्रीम का मिक्सचर फ्रीजर में सेट करने के लिए रखें तो फ्रीजर का डोर बार बार ना ओपन करें, क्योंकि इससे आइसक्रीम जमने में बहुत ही दिक्कत आती है। अगर आपको आइसक्रीम कल दोपहर को खानी है तो आज रात को ही आप आइसक्रीम बनाने के लिए रखिए, तो फिर वो अच्छे तरह से सेट हो जाएगी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर स्ट्रॉबेरी एंड वनीला आइसक्रीम। जस्ट मैंने वनीला आइसक्रीम के ऊपर कोको पाउडर डस्ट की है। सो आपके इन्वेंशन से आप आइसक्रीम को और भी अच्छा बना सकते हैं। आप चोको चिप्स भी डाल सकते हैं और एनी चॉकलेट फ्लेवर इफ़ यू वॉन्ट। सो इट डिपेंड अपॉन वॉट यू इनोवेट। I thought this recipe will be helpful for you guys. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thanks for the video guys. आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ गिव इट ट्राई दिस रेसिपी इन योर होम विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर डियर वन। आइसक्रीम के वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो कि कुल्फी आइसक्रीम है और नेचुरल आइसक्रीम पार्लर में जैसी आइसक्रीम मिलती है वैसे हम करने वाले हैं, बट इट विल टेक टाइम। सो स्टे ट्यून्ड। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय।